नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हाउ टू केबल करंट रेटिंग कैलकुलेशन। दोस्तों इस वीडियो में मैं तीन चार चीज़ें कवर करने वाला हूं, जैसे कि कोई भी केबल है उसकी करंट रेटिंग कैसे निकालते हैं, और कोई भी मोटर है सिंगल फेस की उसमें कितने स्क्वायर एमएम की केबल लगाएंगे, और एचपी से वाट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मोटर का करंट रेटिंग निकालेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से उसका केबल का भी कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंगल फेस का मोटर ले लिया है और 2 HP की और 230 वोल्ट और पावर फैक्टर हमारा 0.8। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला जो बनेगा P बराबर V इंटू I इंटू कॉस फाई। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर I निकालना है, तो I बराबर वाट, दोस्तों हमको सबसे पहले ऊपर रखना है वाट बटे और बाकी जो वोल्टेज और कॉस फाई का हमको बाद में करना है। दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा, किसी भी मोटर का करंट का अगर आपको निकालना है तो आप इतना चीज़ याद रखिएगा तो दोस्तों बड़े ही आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले आपको वाट रखना है, उसके बाद वोल्टेज का गुणा कॉस फाई, उसके बाद जो भी आएगा उसको आपको भाग लगा देना है। दोस्तों मैं उसको कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा 2 HP का मोटर है। अब दोस्तों मैं आपको HP से किलोवाट में कैसे चेंज करेंगे, तो दोस्तों HP से वाट में, दोस्तों हमारा मोटर 2 HP की है और दोस्तों 1 HP में 746 वाट होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों HP को वाट में गुणा कर देंगे दोस्तों हमारा निकल जाएगा, तो 746 गुणे 2 यानी कि 1492 वाट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम 1492 वाट बटे 230 वोल्ट जो कि हमारा ये है गुणे पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। अब दोस्तों इसको मैं भाग लगा दूंगा, पहले इसको गुणा करेंगे फिर इसको भाग लगा देंगे, तो ये दोस्तों 230 का गुणा 0.8 में करेंगे तो ये दोस्तों 184 आ जाएगा। इसके बाद 1492 इसका भाग करेंगे तो ये दोस्तों 8.10 एम्पियर आ जाएगा। यानी दोस्तों अगर 2 HP की मोटर है सिंगल फेस की और पावर फैक्टर हमारा 0.8 है तो इसका जो फुल लोड करंट आएगा वो 8.10 यानी कि 8 एम्पियर हम इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों 8 एम्पियर, ताकि हमारा कैलकुलेशन गलत ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों अब केबल सिलेक्शन की बारी आई, केबल कैसे पता करेंगे कि कौन सी केबल इसमें हम लगाएंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहले मैं आपको कॉपर की बात करूँगा फिर एल्यूमिनियम की बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, फॉर कॉपर, ठीक है दोस्तों, कोई भी केबल हो अगर वो 1 square mm की है, ठीक है अगर 1 square mm की है तो 1 square mm की जो केबल होती है उसकी करंट कैरी करने की जो क्षमता होती है कैपेसिटी होती है वो 6 एम्पियर होती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें 2% का हम वोल्टेज ड्रॉप लेके चलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप 2% का। ठीक है दोस्तों, ये 6 है तो मैं यहाँ पे 5 मान लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमारा ये कितना आया था 8 एम्पियर, तो 8 भागे 5 बराबर हमारा आ जाएगा 1.6। अब दोस्तों 1.6 की कोई केबल आती नहीं है, केबल आती है 1 square mm, 1.5 ढाई स्क्वायर एम एम, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 30 स्क्वायर एम एम की आती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 1.6 square mm की कोई केबल आती नहीं है, 1.5 square mm की केबल आती है। तो हम दोस्तों यहाँ पर 1.5 square mm की केबल यूज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों ये 6 एम्पियर 5 एम्पियर ये हो गया और इसमें आधा जोड़ देंगे तो यानी ढाई और यानी कि 5 7.5 एम्पियर 7.5 एम्पियर करंट ले सकता है 1.5 square mm की केबल। 1 square mm की अगर केबल है तो वो उसका 6 एम्पियर का करंट ले सकते हैं, कैपेसिटी होती है, लेकिन उसमें आप 2% या फिर 1% का वोल्टेज ड्रॉप अगर हम मान लेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2% का वोल्टेज ड्रॉप ले लिया है, 2% का वोल्टेज ड्रॉप यानी कि 5 एम्पियर, 5 का भाग 8 में देंगे तो दोस्तों 1.5 square mm हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की केबल,
दोस्तों एल्युमिनियम का दोस्तों जो 1 स्क्वायर mm का केबल होती है, 1 स्क्वायर mm, वो 4 एम्पियर का करंट कैपेसिटी होती है। करंट कैपेसिटी, अब दोस्तों 4 एम्पियर हो गया, अब इसमें भी हम 2% का वोल्टेज ड्रॉप लेंगे, 2% का वोल्टेज ड्रॉप, तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 3 एम्पियर। तो दोस्तों इसमें हम, अब दोस्तों हमारा जो करंट आया था वो 8 एम्पियर आया था, ठीक है। और दोस्तों इसकी एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ, एल्युमिनियम में 3 का हमको करना पड़ेगा, तो इसमें दोस्तों 2.5 स्क्वायर mm का केबल आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 3 और 3 6, 3 प्लस 3 प्लस 6, और दोस्तों इसमें 8 एम्पर है, तो आधा स्क्वायर एमएम का इसमें और हो जाएगा, तो ये 2.5 स्क्वायर mm का केबल इसके लिए पर्याप्त रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों करंट केबल इससे निकल जाएगा कि कितने कैपेसिटी की केबल लगेगी। और दोस्तों आपको ये भी पता चल गया कि केबल का करंट रेटिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। दोस्तों आप ये अपने मन में बैठा लीजिए कि अगर कॉपर की केबल है तो 6 एम्पियर का उसकी करंट कैपेसिटी होती है, उसमें हम 2% का वोल्टेज ड्रॉप ले लेंगे, तो ये 5 एम्पियर का करंट ले सकता है। इसी हिसाब से दोस्तों आप आगे इसका कैलकुलेशन करके बढ़ा सकते हैं, तो चाहे कितने भी स्क्वायर एमएम की केबल हो। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।